मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में इन दिनों अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ऑपरेशन लेकर एमआरआई तक के नंबर की वेटिंग चल रही है। अगर मरीज को अपना एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या हड्डी का ऑपरेशन कराना है तो उसका नंबर 1 से 2 महीने बाद आएगा। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वर्तमान में हम लगभग 25 से 30 एमआरआई प्रतिदिन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक एमआरआई होता है, लेकिन एमआरआई की जो रिक्वेस्ट है लगभग 70 से 80 प्रतिदिन की आती है, तो जिस वजह से मरीजों को वेटिंग में एमआरआई की डेट देनी पड़ती है, किंतु जो इमरजेंसी एमआरआई हैं उनकी हम तत्काल कर देते हैं। और ये बच्ची है, जो इस बच्ची को 14 साल की बच्ची है, इसको माइंड में एकदम से नस वस उसकी वो होती है, तो उसकी जांच करवाने के लिए एएमआई और ये जमा कराया, टाइम दिया है 25 जनवरी। तो ठीक है, वो उतनी ज़्यादा अभी विशेष ज़्यादा उतनी देर टाइम ज़्यादा दिया, कितना टाइम, मतलब 1 महीना, 2 महीने, 2 महीने का है, 2 महीने का है एएमआई का, 2 महीने का जी। 18 महीने आप एएमआरआई कराने आए? हाँ सर। कब की तारीख दी है, कितने दिन बाद आना है? अभी 25 तारीख दी है सर, 25 जनवरी दी है। अच्छा, लंबा समय हो जाएगा। हाँ सर, हमको MIR करानी है, माइंड में थोड़ा डिस्टर्ब था इसलिए MIR करवाने की बोला था, लेकिन डेट आज 20 नवंबर की डेट दी थी हमें, लेकिन शाम को 4 बजे बुलाया, तो बोला शाम को 4 बजे आना, अभी आपका नंबर अभी है नहीं। कब आई थी आप? हम आए थे 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने बाद मिली है? हाँ, 1.5 महीने बाद आज की तारीख दी थी।